अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख। दोस्तों, आज आपके साथ हम बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कहानी एक शेयर करते हैं जो ज़िंदगी के लिए आपको बड़ी मददगार साबित होगी, और ख़ास तौर पे नौजवान जो लड़के लड़की हैं जिनकी नवी शादी हो रही है और उनकी ज़िंदगी में मुश्किल पेश आती हैं, तो उनके लिए ये जो कहानी है वो बड़ी सबक का मौज भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा ये सुन के। कहानी एक बाबा जी थे, वो घर पे जब भी एंटर होते तो वो उन्होंने एक उनका तकिया कलाम था या उनकी एक आवाज़ थी, वो घर में दाखिल होते साथ ही ये कहते थे कि हाय गुजारे भले भी बने। जब भी घर में दाखिल होते वो यही बात कहते कि जी हाय गुजारे भले भी बने। एक दिन उनकी छोटी बहू ने, जो उनकी लाडली बहू थी, उन्होंने उसको कहा कि जी चाचा जी, आज हमने आपको खाना नहीं दिया और आज हमने आपसे बोलना नहीं है जब तक कि आप ये जो बात है ये हाय गुजारे भले भी बने कहते हैं, तो वो हमें तो बड़ा यानी कि लगता है कि आप हमें टॉट कर रहे हैं या हमें कुछ सुना रहे हैं, तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को जो है ना वो आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और आपने हमें बताना है कि ये आप बात क्यों करते हैं। बाबा जी ने बड़ा इसरार किया कि भाई आप ना सुनो छोड़ो, लेकिन ये है कि छोटी बहू ने कहा जी कि आज तो ये होके रहना है और आपने इसकी बैकग्राउंड हमें बता के रहनी है या फिर हम आपसे नाराज़ हैं। बाबा जी ने बहुओं की नाराज़गी लेने की बजाय उन्होंने कहा जी कि मैं आपको इसकी स्टोरी और इसकी कहानी जो इसके बैकग्राउंड में है वो मैं आपको सुनाऊं। उन्होंने कहा कि मेरी शादी आपकी चाची के साथ जब हुई तो बड़ी खूबसूरत नौजवान और सेहतमंद और जो पंजाब की जटी के स्टाइल की थी, जबकि मैं एक आम उजड़ सा आदमी था। तो आपकी चाची पढ़ी लिखी भी थी, उस वक्त 10 जमातें जो हैं पढ़ी हुई लड़की जो थी वो बड़ी वैल्यू रखती थी, और मैं अनपढ़ आदमी था। हम दोनों की शादी हो गई, 5-6 दिन 10 दिन शुरू के जो हैं वो बड़े जो है अनप्लेजेंट से गुजरे, बड़े जो है वो हैक्टिक से गुजरे, कि उसको बड़ा ये अफसोस हुआ कि मैं इतनी खूबसूरत और मैं पढ़ी लिखी और मुझे किस उजड़ के साथ मेरी शादी कर दी। आपकी चाची को ये गिला 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 बहुत ज़्यादा होता गया। एक दिन उसने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ो, साथ ही गाँव था, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ। हम लोग टांगे पे बैठ के उसके माँ बाप के घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनके घर के जो उनका गांव था उसके बाहर जो है वो बिल्कुल एक पुरानी हवेली थी। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हारी चाची से पूछा कि भाई ये पुरानी हवेली है, मैं कभी इसके अंदर तो नहीं गया, तुम्हें पता कि अंदर क्या स्टोरी है, क्या ये वीरान क्यों पड़ी है? तो तुम्हारी चाची ने कहा चलो आओ अंदर जाके देखते हैं, मैंने भी कभी नहीं देखी। तो हम दोनों अंदर चले गए, तो हम दोनों देख रहे थे कि तेरी चाची ने मौका गनीमत जाना, मैं कमरे के अंदर था, उसने कमरे में से के बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। मैं बड़ा चिल्लाया, बड़ा शोर मचाया, लेकिन तेरी चाची ने मौका गनीमत जाना और वहाँ से भाग गई और भाग के अपने माँ बाप के घर चली गई। मैं चीखरा चला रहा था, कोई नेक बंदा अल्लाह का गुजरा वहाँ से, उसने मेरे पुकारने की आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोला, उन्हें कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा यार मुझे पता नहीं क्या हुआ, कोई गलती से हो गया मसला, कोई दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया शरारत में। और मैं दरवाज़ा खुला, मैं अपनी राह ली और गांव आ गया। तुम्हारी चाची ने मुझे जब देखा कि ये तो जिंदा सलामत वापस आ गया, वो बड़ी परेशान हुई। अब उसको अंदर से गिल्टी कि भाई ये अब बोलेगा तो मेरे माँ बाप भी मुझे बहुत बुरा कहेंगे कि भाई ये तुमने क्या किया हमारे नए नए दामाद के साथ। वो सारी रात जो है वो परेशानी में गुजरी, मेरे से बोले भी ना, मेरे से पूछे भी ना। मैं भी अंदर से इंजॉय कर रहा कि यार चलो ये है कि ज़रा थोड़ा सा इसको एहसास हुआ। सुबह उठ के नाश्ता किया, तो मैंने उनको कहा कि जी अपने ससुराल वालों को, अपनी सास को कि जी मैंने अब जाना है, तो जब आप ये कहेंगी तो मैं इसको आके ले जाऊंगा। तो तुम्हारी चाची कह रही कि लगी कि नहीं नहीं मैं साथ ही जाऊंगी, और मैंने इनके साथ ही जाना। बहरहाल तुम्हारी चाची जो है वो मेरे साथ वापस आ गई। रास्ते में आधे रास्ते में पहुँचे तो वो जो है वो रोने लग गई, तो मुझे कहने लग गई कि भाई आपने तो मेरी बड़ी इज्जत रखी, अगर आप वहाँ पे कह देते तो मेरे बाप ने भी मुझे मारना था और मेरी माँ ने भी मुझे कुटना था पकड़, और आपने मेरी बड़ी जो है इज्जत रखी। तो कहता मैंने उसे कहा कि भाई बात यह है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी शुरू की है और एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया है, तो गुज़र औकात करेंगे, एक दूसरे के साथ गुजारा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो फिर ही ज़िंदगी आगे चल सकती है। अगर हम लोग कहें कि मैं सुपीरियर हूँ या तू इन्फीरियर है या इस तरह का मामला करेंगे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो एक दूसरे की छोटी मोटी बातें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो
उसे मेरी बात समझ आ गई। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि जिंदगी में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना है और अच्छे तरीके से गुजारा करना है। और इसी गुजारे की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी दी, घर भी दिया, तुम लोग दिए, पोते हो गए हैं, पोतियां हो गई हैं, नवासे नवासियां हो गई हैं, और मेरी जिंदगी बड़ी मजेदार हो गई। तो अब मैं उस वक्त को सोचता हूँ जब उसने और मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई गुजारा करना है एक दूसरे के साथ, तो मैं उसी गुजारे को शाबाश देता हूँ और उसी गुजारे की मेहरबानी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और घर आता हूँ तो मैं हंसते खेलते घर को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाय गुजारिया भले भी भले, कि उस वक्त का गुजारा किया हुआ उसने मेरे और मेरी बीवी की जिंदगी में कितनी रौनकें लगा दी। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को, दोस्तों को जो नए शादीशुदा जोड़े हैं खास तौर पे, उनको कहता हूँ कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होना और वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बड़ा अहम है। मोहब्बत बहुत अहम है लेकिन मोहब्बत उतनी अहम नहीं है जितना एक दूसरे को समझना और वर्किंग रिलेशनशिप को जो है वो कायम करना और डेवलप करना अहम है। तो इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी का आगाज करें अपने साथी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करें। वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी।